मैं डॉक्टर पीके केसरी, सीनियर यूरोलॉजिस्ट। विगत 33 वर्षों से मैं यूरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने बीएचयू से एमबीबीएस एमएस एमसीएच करने के पश्चात 33 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और विगत 10 वर्षों से अपेक्स हॉस्पिटल में मैं यूरोलॉजिस्ट के रूप में सेवा प्रदान कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग हर तरह के यूरोलॉजी के बच्चों का इलाज करते हैं, खासकर से कैंसर का। यहाँ पे हर तरह का विधा उपलब्ध है, चाहे कैंसर सर्जरी हो, चाहे रेडियोथेरेपी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे इम्यूनोथेरेपी हो। और कैंसर के क्षेत्र में ये पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर भारत का एकमात्र प्राइवेट सेक्टर में ये सेटअप है, जिनके पास सारी मशीनें जो कि लिनियर एक्सेलरेटर से लेके पेट सिटी स्कैन से लेके सारी सुविधाएं उपलब्ध है एक छत के नीचे। और हमारी पूरी टीम है, जिसमें मैं यूरोलॉजिस्ट के रूप में डॉक्टर दीपक सिंह, कैंसर सर्जन के रूप में डॉक्टर नेहा गुप्ता और डॉक्टर अंकिता पटेल और गौरव गोस्वामी रेडियोथेरेपिस्ट एंड कीमोथेरेपिस्ट के रूप में कार्यरत है। राम प्रसाद भी टीम में आया था डॉक्टर साहब के पास। मेरे पेशाब रुकी थी, डॉक्टर साहब ने प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया, पेशाब बहुत बढ़िया से हो रही है, अब कोई दिक्कत हमको नहीं है। आज 7 दिन के बाद दिखाने आया था तो डॉक्टर साहब और दवा लिखे हैं खाने के लिए। ये मिस्टर राम प्रसाद जो पेशेंट के वकील हैं, सीनियर वकील हैं, ये जब मेरे पास आए थे उनका सीरम पीएसए बढ़ा हुआ था और हम लोग कैंसर की संभावना व्यक्त करते हैं, जिसके लिए कि ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोस्टेटिक बायोप्सी के लिए हम लोगों ने सलाह दिया। और ये इनको आशंका थी कि उसमें दर्द होगा, इसलिए ये नहीं कराना चाहते थे। तो समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि पेशाब रुक गया, बलि डालना पड़ा। फिर भी बायोप्सी के लिए हमने सलाह दिया और ये बायोप्सी नहीं कराना चाहते थे। ये हुआ कि पहले हम लोग प्रोस्टेट को ऑपरेशन करके निकाल दें, जिसको चैनल ज्वार भी कहते हैं, उसमें प्रोस्टेट का बायोप्सी भी हो जाएगा। बायोप्सी में ये कैंसर प्रोस्टेट का आया है जो कि ग्लिसन स्कोर 9 होता है, ये एडवांस स्टेज माना जाता है। मगर अब इनका पेशाब अच्छी धार में हो रहा है, क्योंकि हमने रास्ता बना दिया है पेशाब निकलने का। मगर चूंकि कैंसर है, इसलिए हम लोग यहीं पर इसको विराम नहीं दे सकते हैं। आगे का इलाज डॉक्टर गौरव गोस्वामी से मेरी रेडियोथेरेपी के बारे में डिस्कशन हो गया है और हार्मोन थेरेपी का इंजेक्शन ग्लूकोडेक्स हमने आज पहला इंजेक्शन लगवाएंगे, जो 3 महीने में एक बार लगवाते हैं। थोड़ा इंजेक्शन महंगा होता है, पर 3 बार में एक बार लगता है। और रेडियोथेरेपी, रेडिकल रेडियोथेरेपी का इनको पूरा कोर्स दिया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये इनको लंबा जीवन प्राप्त हो। धन्यवाद।